दोस्तों चाणक्य नीति के अनुसार किसी व्यक्ति में दृढ़ता, बुद्धिमता, नेतृत्व और राजनीति करने की कला हो और साथ ही में वो साहसी, होनहार और सच्चा देशभक्त हो तो दुनिया में उसकी फतेह निश्चित है। लेकिन एक ही व्यक्ति में इतनी सारी अच्छी बातें होना इम्पॉसिबल है। लेकिन भारत के इतिहास में कई सारे राजाओं में से ये एक 16 साल के बच्चे ने इस बात को गलत साबित कर दिया था। दोस्तों इस बच्चे ने भारत को इकोनॉमिक, पॉलिटिक और सोशल रूप से सशक्त बना दिया था और पूरे भारत में मराठा एम्पायर का राज स्थापित कर दिया था। दोस्तों आप समझ गए होंगे मैं किस सूरवीर की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज की। दोस्तों मेरा नाम है मिहिर गज्जर और आज के वीडियो में मैं आपको शिवाजी महाराज के लाइफ के बारे में बताऊंगा। और इसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। चलिए बात करते हैं शिवाजी महाराज के बचपन की। दोस्तों शिवाजी महाराज का जन्म सिवनेरी फोर्ट पुणे में 19 फरवरी 1630 में हुआ था। तब भारत में मुगलों का राज था और शिवाजी के पिता शाहजी भोसले विजापुर के सेनापति थे, इसीलिए वे पुणे में नहीं रहते थे, जिस वजह से शिवाजी महाराज का ख्याल उनकी माँ जीजाबाई रखती थी। जीजाबाई ने बचपन से ही शिवाजी को रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथ समझाकर एक आदर्श पुरुष बनाया था। अब ये बात हुई उनके बचपन की। अब जानते हैं कि कैसे शिवाजी महाराज ने अपने संघर्ष की शुरुआत की। ऐसे ही समय बीत जाता है और शिवाजी 20 साल के हो जाते हैं। अब पुणे में बीजापुर के राजा आदिल मोहम्मद शाह का राज चलता था, लेकिन शिवाजी महाराज को ये गुलामी पसंद नहीं थी। उन्हें अपना स्वराज्य स्थापित करना था, इसीलिए जैसे ही आदिल मोहम्मद शाह की तबीयत खराब होती है तब मौके का फायदा उठाकर शिवाजी महाराज तोरणगढ़ के किले पर मावल सेना के साथ आक्रमण कर लेते हैं और उसे अपना बना लेते हैं। अब मावल सेना उन्होंने मावल गांव के लोगों के साथ मिलकर बनाई थी और इस सेना को उन्होंने गोरिल्ला युद्ध पद्धति सिखाई थी और एक अच्छे नेतृत्व के साथ ये सेना ने तोरणगढ़ पर कब्जा कर लिया था। अब जैसे ही शिवाजी महाराज इस पर कब्जा कर लेते हैं तो कुछ ही महीनों में पुरंदर, कोंडाना, सूपा, बारमती, इंदापुर और चाकन पर भी कब्जा कर लेते हैं। फिर क्या होता है, ये सब के बाद आदिल शाह डर जाता है और शिवाजी के पिताजी को समझाने के लिए भेजता है। लेकिन जब शिवाजी उनके पिता की बात नहीं मानते तो आदिल शाह उनके पिताजी को जेल में बंद कर देता है। और ये सब होने के बाद शिवाजी सब युद्ध रोक लेते हैं और कोंडाना आदिल शाह को दे देते हैं और उसके बदले में आदिल शाह पिताजी को छोड़ देता है। अब शिवाजी महाराज थ्रेट्स, फ्रेंडशिप और स्वराज्य के नाम लेकर आसपास के राजाओं को अपने पक्ष में कर लेते थे और धीरे धीरे उनका राज्य भी बढ़ने लगा था। आदिल शाह अब भी उनसे डरा हुआ होता है, इसलिए वे अपने दोस्त अफजल खान को उस पर हमला करने के लिए भेजता है। अफजल खान काफी खूंखार और निर्दय था और उसके पास शिवाजी से भी ज्यादा सेना थी, इसलिए शिवाजी अपनी सेना के साथ प्रतापगढ़ के किले में चले जाते हैं। अब प्रतापगढ़ के किले के ऊपर इतनी मेहनत करने के बाद भी अफजल खान चढ़ाई नहीं कर पाता और थक कर शिवाजी से मिलने का प्रस्ताव रखता है और इस मीटिंग में किसी को वेपन्स नहीं ले जाने थे। इस मीटिंग में अफजल खान शिवाजी से मित्रता का हाथ बढ़ाता है और उसे गले मिलने को बोलता है। और जब दोनों गले मिलते हैं तब अफजल खान शिवाजी के पीठ पर चाकू मारता है, लेकिन शिवाजी ने लोहे का वस्त्र पहना था इसलिए उन्हें कुछ नहीं होता है और वे अपने हाथ में पहने हुए शेरपंजे से उसको फाड़ कर मार देते हैं और बीजापुर पर अपनी सेना के साथ चढ़ाई कर लेते हैं और पूरे बीजापुर में कब्जा कर लेते हैं। अब पूरे डेक्कन का एरिया उनके पास था, तब मुगल बादशाह औरंगजेब भी उनसे डरने लगा था, इसीलिए औरंगजेब उनसे कई सारे समझौते कर लेता है। लेकिन समझौते के कुछ समय बाद उसे नहीं पालता है, जिससे शिवाजी महाराज उस समझौते को ना मानते हुए मुगल्स के साथ फ्रेंडशिप तोड़ देते हैं और अपनी विजय रथ गाथा कंटिन्यू करते हैं और धीरे धीरे वो भारत को मुगल एम्पायर से हिंदू राष्ट्र में बदल देते हैं। दोस्तों उन्होंने अपना राज्य अभिषेक किया था तब जनता ने उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज का खिताब दिया था। उनके राजकाल में मराठी और संस्कृत भाषा को महत्व दिया जाता था और उनके राज्य में सारे धर्म के लोगों को समान गिना जाता था। उनके राज्य में हिंदू पंडितों के साथ साथ मुस्लिम मौलवियों को भी समान गिना जाता था। काफी लंबे समय बाद 3 अप्रैल 1680 में बीमार रहने के कारण 52 साल की उम्र में उनकी मौत हो जाती है। पूरे भारत वर्ष में इनके जैसा सामर्थ्य और वीरता किसी के पास नहीं थी। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।